A man was arrested for attempting to fraudulently secure a position in the police force using a fake home guard degree. The arrest took place during the ongoing police recruitment process after the authorities discovered the forged document. Anand Karolgi, the assistant superintendent of police, confirmed the arrest and stated that the individual had been trying to gain employment in the police department by presenting the counterfeit certificate. The man has been taken into custody and further investigation is underway to determine how he acquired the fake credentials and whether outlets are involved in the scam. ये 6th बटालियन रांची में है, वहाँ पे कॉन्स्टेबल्स का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है, मतलब किन-किन कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में पास हुआ है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। तो कल ये पता चला एक गुलजर पिता महबूब खान करके एक व्यक्ति द्वारा होमगार्ड पुलिस का एक फेक सर्टिफिकेट लेकर आया करके वो मामला सामने आया। उसके बाद ताना रांझी को हमने इन्फॉर्म किया, उसके बाद ताना रांझी द्वारा वो वेरीफाई करने के बाद वो फेक सर्टिफिकेट निकला। उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ, गुलजर पिता महबूब खान के खिलाफ, हमने एक चीटिंग और डॉक्यूमेंट फोर्जरी करना और परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। सर को गिरोह है कि वो उस पर काम कर रहा है क्या? नहीं, वो अभी क्लियर नहीं है। वो लड़का रहने वाला है, सिविल लाइन जबलपुर का ही रहने वाला है। अभी उसका पूछताछ चल रही है, कस्टडी में ले लिया हमने, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही क्लियर हो जाएगा वो फेक सर्टिफिकेट कहाँ से बना और कोई इसके पीछे कोई रैकेट है क्या, और इसके पीछे कोई इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी है, तो पूछताछ के बाद क्लियर होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति का नाम अगर सामने आता है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है, कहाँ रहता है, कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड पता चले? इस व्यक्ति का नाम है गुलजर पिता महबूब खान करके, रहने वाला इधर ये सिविल लाइन जबलपुर का ही रहने वाला है। और बाकी उसका ये क्लियर है, वो रिटर्न टेस्ट को भी पास किया था, पर उन्होंने फायदा उठाने के लिए फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं। सर कैसे पता चला कि ये कोई भी भर्ती होता है उस समय उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स का, सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। उस वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चला इनका डॉक्यूमेंट है फेक है। सर ये सर्टिफिकेट जिसने बनाया फेक सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी पूछताछ चल रही है फेक सर्टिफिकेट कहाँ से जनरेट हुआ है और उनको फेक सर्टिफिकेट निकालने के समय कोई उसको